Hello dear students and spectre viewers, welcome to my channel Study Time. Today I am going to start with lesson number 27 and the lesson is The Legend of Marathon, that means Marathon ki Dantakatha. Marathon is nothing but what? One sporting event. Here you can see in the picture there are so many people who are run together. It is a running race of about 42 kilometers. Ye jo running race hai, ye lagbhag 42 किलोमीटर्स की होती है. अ वर्ड मैराथन ऑल्सो मीन्स अ टास्क और इवेंट दैट लास्ट अ लॉन्ग टाइम. मैराथन ये वर्ड का मीनिंग यही है कि एक कोई टास्क या कोई इवेंट जो है वो बहुत लॉन्ग लास्ट दैट मीन्स लंबे समय तक चलती है. एंड रिक्वायर्स, और उसके लिए क्या जरूरी है? अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत एंड पेशेंस और धैर्य. द फर्स्ट मैराथन रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स विच वेयर हेल्ड इन ग्रीस. पहला वाला मैराथन जो रेस था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? ऑर्गेनाइज मीन्स व्हाट? आयोजित करना. वो आयोजित कहाँ पे किया गया था? जब ओलंपिक्स गेम चल रहे थे, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जब ग्रीस में अरेंज किए गए थे, हेल्ड किए गए थे, तब पहला वाला मैराथन रेस वहाँ पे आयोजित किया गया था. द मैराथन वॉज स्टार्टेड इन द मेमोरी ऑफ लेजेंडरी ग्रीक हीरो फिडिफिल्स हु हैड कैरिड एन इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम द बैटल ऑफ मैराथन टू एथेंस. मैराथन की शुरुआत एक महान ग्रीक हीरो फिडिफिल्स की याद में की गई थी, जिन्होंने मैराथन की लड़ाई से लेकर एथेंस तक एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था. गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ हिज फेमस रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस. नीचे दी गई जो स्टोरी है, कहानी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है. फेमस मीन्स व्हाट? लोकप्रिय. जो उन्होंने मैराथन से लेकर एथेंस तक उन्होंने जो दौड़ लगाई थी, ओके, उसकी ये कहानी है. वी डू नॉट नो वेदर द स्टोरी इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट. हमें पता नहीं ये जो स्टोरी है ऐतिहासिक रूप में एक्यूरेट है या नहीं है. ओके, एक्यूरेट का मतलब होता है कि सही है या नहीं. बट इट हैज़ इंस्पायर्ड मेनी जनरेशंस ऑफ स्पोर्ट्समैन. लेकिन इस ये जो स्टोरी है इसने बहुत सारे जनरेशन्स को, बहुत सारी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है, प्रोत्साहित किया है. जो स्पोर्ट्समैन की पीढ़ी है, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो गेम में पार्टिसिपेट होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, पर्शिया वॉज अ माइटी किंगडम. पर्शिया नाम का एक राज्य था, वो बहुत ज़्यादा माइटी मीन्स पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर था. देयर लार्ज आर्मी हैड लैंडेड इन द बे नियर द टाउन ऑफ मैराथन. उनकी बड़ी सेना, आर्मी का मतलब होता है सेना, मैराथन शहर के पास एक खाड़ी थी. खाड़ी मतलब बे, ओके, वहाँ पे वो ठहरी हुई थी. लैंडेड का मतलब होता है ठहर जाना. देयर टारगेट वॉज एथेंस. उनका जो टारगेट था, उनका निशाना था एथेंस के लोग. अ सिटी स्टेट इन ग्रीस, जो कि ग्रीस राज्य में बसा हुआ था. ओके, एथेंस हैड अ स्मॉल आर्मी. एथेंस के पास बहुत कम सेना थी कंपेयर टू द पर्शियन वन. अगर पर्शियन के साथ तुलना की जाए तो उनकी सेना बहुत कम थी. बट द एथेनियन सोल्जर्स वेर वेरी ब्रेव. लेकिन एथेनियन सोल्जर जो थे वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, शूर थे. दे हैड फेस्ड द पर्शियंस बिफोर, और उसके पहले भी उन्होंने पर्शियन का सामना किया था. बट दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अदर ग्रीक किंगडम्स नाउ. लेकिन अब इस वक्त उनको जो दूसरे किंगडम थे, दूसरे राज्य थे ग्रीक में बसने वाले, उनसे मदद की ज़रूरत थी. दे डिसाइडेड टू सेंड अ स्पेशल मैसेंजर टू द नेबरिंग किंगडम ऑफ स्पार्टा. उन्होंने उनके पड़ोसी राज्य स्पार्टा में एक मैसेंजर, संदेशवाहक को भेजने का निर्णय ले लिया. हिज नेम वॉज फिडिफिल्स, उसका नाम था फिडिफिल्स. फिडिफिल्स वॉज अ यंग मैन हु सर्व्ड एज अ लॉन्ग डे रनर. फिडिफिल्स वो एक यंग मैन था और वो क्या कर सकता था, पूरे दिन भी दौड़ सकता था. ही रैन टू स्पार्टा लाइक द विंड, वो स्पार्टा की तरफ हवा की तरह दौड़ते हुए चला गया. दैट मीन्स बहुत स्पीड से वो चला गया. ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ नियरली 100 किलोमीटर, उसने लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पार किया. कवर मीन्स वॉट? पार करना. इन अ डे, दैट मीन्स एक ही दिन में. बट अलास, द पीपल ऑफ स्पार्टा वेर बिजी विथ सम सेरेमनीज. बट अफसोस, स्पार्टा के लोग एक समारोह में बिजी थे, व्यस्त थे. दे डिड नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द बैटल इमिडिएटली, और वो किसी भी युद्ध में तुरंत शामिल नहीं होना चाहते थे. फिडिफिल्स टुक दिस मैसेज बैक टू एथेंस विथ अ हेवी हर्ट बट ऑन लाइट फीट. फिडिफिल्स वही संदेश लेके बहुत ही भारी मन से फिर से एथेंस आ गया. लाइट फीट मीन्स वॉट? जितनी तेज रफ्तार से वो गया था उतनी तेज रफ्तार से वही वापस वो संदेश लेके एथेंस में पहुँचा. अगेन ही रैन 100 किलोमीटर्स विद इन अ डे, और फिर से उसने 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई एक ही दिन में. वेन द जनरल्स ऑफ एथेंस हर्ड द कोल्ड स्पार्टन रिस्पॉन्स,
जब जनरल्स जो होते हैं आर्मी के जनरल्स, एथेंस के आर्मी के जनरल्स ने जो स्पार्टा का रिस्पांस सुना, कोल्ड रिस्पांस मीन्स व्हाट, कि वो उनकी इच्छा नहीं थी बैटल में शामिल होने की, दे डिड नॉट लूज हर्ट, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दे वेर रेडी टू फाइट ऑन देयर ओन, द पर्शियन आर्मी वॉज वॉचिंग एथेंस लाइक अ कैट वॉचेज अ माउस होल, वे अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार थे और पर्शियन सेना एथेंस की सेना को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बिल्ली चूहे के छेद को देखती है या फिर उसके सुराख की तरफ देखती है। सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ सरप्राइज अटैक ऑन द पर्शियंस, सो उन्होंने डिसाइड किया, यह निर्णय ले लिया कि वो पर्शियन के ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे, दैट मीन्स अचानक से उन पर हल्ला करेंगे। द एथेनियंस जनरल सेंट देयर फ्लैंक्स राउंड द पर्शियन फोर्सेस लाइक स्पीडिंग एरोज एंड बिगेन टू ड्रॉ देम इन, एथेनियंस जनरल्स ने उनके एक टुकड़ी भेजी, ओके सेना की एक टुकड़ी होती है उनको हम फ्लैंक्स बोलते हैं, राउंड द पर्शियन फोर्सेस, जो पर्शियन फोर्सेस थे, पर्शियन लोगों का जो दल था उनको उन्होंने घेर लिया लाइक स्पीडिंग एरोज, और किस तरह उन्होंने तेज तीरों की तरह उन्होंने जल्द ही उनके एक दल को घेर लिया, एंड बिगिन टू ड्रॉ देम इन, और उनको उन्होंने अंदर खींचना शुरू कर दिया। द पर्शियंस वेर नॉट रेडी फॉर बैटल, और जो पर्शियंस थे वो बैटल के लिए, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। इवन सो, उसके बावजूद भी, दे वेर स्किल्ड आर्चर्स, वो क्या थे, बहुत ही कौशल्यपूर्ण आर्चर्स थे, आर्चर मीन्स वॉट, जो बाण चलाते हैं, दे शॉवर्ड एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेंस, और उन्होंने क्या किया, एथेंस के सोल्जर पर शॉवर ही कर दिया एरो का, दैट मीन्स बहुत सारे एरो उनके ऊपर थ्रो कर दिए, बट द एरो सिंपली फेल ऑफ देयर हेलमेट्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्मर्स, और जो एरो थे उनका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पास हेलमेट्स थे और स्ट्रॉन्ग आर्मर्स थे, आर्मर्स मीन्स वॉट, जिसको हम ढाल बोलते हैं, हेलमेट्स की वजह से और उनके पास जो प्रोटेक्शन के लिए ढाल थी उनकी वजह से एरो का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ऑल्सो द एथेनियंस न्यू देयर सी शोर वेल, एथेनियन भी अपने समुद्र तट को अच्छी तरह से जानते थे, नाउ सी शोर का मतलब होता है समुद्र का तट, ओके द पर्शियंस वेयर न्यू टू द टेरियन, और पर्शियंस के लिए वो क्षेत्र नया था, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय टेरियन, टेरियन का मतलब है क्षेत्र, मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए, मेनी मोर वेयर इंजर्ड, बहुत सारे घायल हो गए, इंजर्ड मीन्स वॉट, जख्मी या घायल हो जाना, सम ऑफ देम वेयर लॉस्ट इन मार्शी एरियाज, बहुत सारे उसमें से कुछ जो है मार्शी एरियाज में, दैट मीन्स दलदल की एरिया में खो गए, द ब्रेव एथेनियंस ड्रॉ बैक एवरी सिंगल रिमेनिंग पर्शियन सोल्जर्स बैक टू देयर शिप्स एंकर्ड इन द बे, बहादुर एथेनियन लोगों ने हर एक शेष जो पर्शियन सैनिक बचे हुए थे उनको खाड़ी में जो उनके जहाज ठहरे थे वहां पर वापस भेज दिया। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एंकर्ड, एंकर्ड मीन्स लंगर डालकर जहाज को ठहराना किसी भी तट के किनारे या फिर खाड़ी में। द बैटल वॉज ओवर विद इन अ फ्यू आवर्स, और जो युद्ध था, लड़ाई थी, कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। द बैटल वॉज ओवर बट द पर्शियंस डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, युद्ध खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन पर्शियन के जो लोग थे वो उनकी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। डिफीट का मतलब होता है हार जाना। दे सॉ दैट द एंटायर आर्मी ऑफ द एथेंस हैड रश्ड टू द सी शोर, उन्होंने देखा कि पूरी जो आर्मी है एथेंस की वो कहाँ पर आगे बढ़ चुकी है, उनका जो समंदर किनारा था वहाँ उस किनारे के तरफ वो बढ़ रही है। रश का मीनिंग होता है आगे बढ़ना और सी शोर का मतलब होता है समंदर किनारा। लिविंग द सिटी ऑफ एथेंस फार बिहाइंड, और उनकी जो सिटी है, उनका शहर जो एथेंस, वो बहुत पीछे छूट गया है। Only the aged people, वहाँ पर सिर्फ क्या है, proud लोग है, okay that means बूढ़े लोग है, women and children were left in city, सिर्फ कुछ proud लोग, स्त्रियाँ और बच्चे ही वहाँ पर city में, शहर में बचे हुए थे पीछे। The Persian now devised a new plan, Persian ने अब एक नई योजना तैयार की। The sea route to the city of Athens was much shorter than the land route, एथेंस सिटी का जो सी रूट था, दैट मीन्स समंदर से जाता हुआ जो मार्ग था, वो बहुत ज़्यादा कम समय, दैट मीन्स छोटा था कंपेयर टू द लैंड रूट। लैंड रूट जो था वो लंबा था, दैट मीन्स उससे जाने के लिए बहुत समय और टाइम लगता था। द पर्शियंस डिसाइडेड टू टेक द सी रूट, पर्शियन ने यह निर्णय ले लिया कि वो समंदर मार्ग से जाएंगे, एंड पाउंस अपॉन द एथेंस फ्रॉम द सी साइड, और यह मीनिंग है पाउंस का अटैक करना या फिर आक्रमण करना, एंड उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि वो एथेंस के ऊपर अटैक करेंगे सी साइड, दैट मीन्स समंदर के छोर के ओर से वो एथेंस के ऊपर आक्रमण करेंगे। द एथेनियन आर्मी वुड टेक वेरी लॉन्ग टू ट्रैवल बैक टू एथेंस ऑन फुट, अगर एथेनियन आर्मी जो है वो चल के जाएंगे तो उनको एथेंस पहुंचने में बहुत सारा
वक्त लगेगा। विथ देयर हैवी आर्मर्स एंड वेपन्स, उनके पास बहुत सारी आर्मर्स और वेपन्स, दैट मीन्स बहुत सारी शस्त्र थे, उनको लेके जाने में उनको बहुत सारा वक्त जाने वाला था। सीइंग द पर्शियंस, पर्शियंस को देख के द डिफेंसलेस पीपल इन द सिटी ऑफ एथेंस वुड थिंक दैट एथेंस हैड लॉस्ट द बैटल, और वो जो डिफेंसलेस पीपल थे सिटी एथेंस के सिटी में, जो पीछे छूटे थे, जिनके पास सुरक्षा का कोई साधन नहीं था, उनको ऐसे लगेगा कि यहाँ पे पर्शियंस लोग आए, इसका मतलब जो एथेनियन सोल्जर जो है, एथेंस जो है, उन्होंने बैटल हारा है, दैट मीन्स वो बैटल हार चुके हैं। देन इट वुड बी ईजी फॉर द पर्शियंस टू टेक ओवर द सिटी। देन अभी उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा पर्शियन लोगों के लिए, वो क्या करेंगे, दैट मीन्स एथेंस की सिटी पे काबू पाने के लिए। एथेनियन जनरल्स टू, एथेनियन के जो जनरल्स हैं, वेयर गुड स्ट्रेटेजिस्ट, उनके पास भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लान थे। वेन दे सॉ द पर्शियंस फ्लीट लीव इन अ हरी, दे अंडरस्टूड द पर्शियंस प्लान। जब उन्होंने देखा कि जो पर्शियंस की जो दल या टुकड़ियाँ थी बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रहे थे, दे अंडरस्टूड द पर्शियन प्लान, तब उनको पर्शियन के प्लान के बारे में समझ आ गया। दे रिजॉल्व टू गो बैक टू एथेंस एज फास्ट एज पॉसिबल टू डिफेंड इट। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वो जितना जल्दी हो सके एथेंस वापस जाएंगे उनकी हिफाजत करने के लिए। ओके, तो रिजॉल्व का मतलब होता है निश्चय कर लेना, ठान लेना, और डिफेंड का मतलब होता है हिफाजत। तो वो जितना जल्दी हो सके एथेंस वापस जाना चाहते थे एथेंस की हिफाजत करने के लिए। बट इट वॉज वेरी नेसेसरी टू लेट द पीपल ऑफ एथेंस नो दैट दे हैड वॉन, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि एथेंस के लोगों को ये चीज़ का पता चले कि उन्होंने बैटल जीता है। देन दे वुड नॉट ओपन द सिटी गेट्स टू द पर्शियंस, देन उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो पर्शियंस है उनके लिए उनका सिटी का जो गेट है वो नहीं खोलेंगे। दे वुड वेट फॉर द विक्टोरियस एथेनियन आर्मी टू रिटर्न, एंड वो जो एथेनियन आर्मी है, एथेनियन सोल्जर्स हैं, उनके लिए वेट करेंगे जो जीत कर आने वाले थे। द सिटी वुड बी सेफ, और उसके बाद सिटी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। हु वुड टेक दिस मैसेज टू देम, लेकिन ये जो संदेश था उनके पास कौन लेके जाएगा, कौन देकर आ सकता था। द मैसेज मस्ट बी डिलीवर्ड बिफोर द पर्शियंस रीच देयर, ये जो मैसेज था, ये जो संदेश था, पर्शियंस के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पर देना था। रीच मीन्स वॉट, पहुँचना, डिलीवर्ड मीन्स वॉट, वहाँ पर जाकर पहुँचा देना। हु वुड ट्रैवल फास्टर दैन द पर्शियंस शिप्स एंड दैट टू ऑन अ लॉन्गर रूट, ये इतना फास्टर ट्रैवल कौन कर सकता है, इतना जल्दी जल्दी कौन वहाँ पर पहुँच सकता है पर्शियन शिप के पहले, वो भी लॉन्गर रूट से, क्योंकि पर्शियन शिप जो थे वो सी रूट से जा रहे थे जो कि शॉर्टर रूट था, और जो एथेनियन लोगों में से जो मैसेज लेके जाने वाले थे उनको लॉन्ग रूट फॉलो करना था जो कि लैंड रूट था। ओके, हु एल्स बट फिलिडीफील्ड्स, दूसरा कोई नहीं लेकिन वो फिलिडीफील्ड्स था जो कि मैसेज लेकर वहाँ पे जा सकता था कम से कम समय में, कम से कम वक्त में। फिलिडीफील्ड्स हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड अ रन ऑफ मोर देन 200 किलोमीटर्स जस्ट द डे बिफोर, और फिलिडीफील्ड्स ने पहले ही 200 किलोमीटर का दौड़ पूरा किया था एक दिन पहले ही। बट ही वॉज अ ब्रेव यंग मैन, लेकिन वो क्या था, ब्रेव था, शूर था। He would do anything for his state, और वो अपने राज्य के लिए, देश के लिए कुछ भी कर सकता था। Also, this time he was to carry a happy message, और इस बार भी वो क्या करने वाला था, एक happy message लेकर जाने वाला था। It was not easy for Philidiphils to reach Athens sooner than the Persians did, ये Philidiphils के लिए easy नहीं था, आसान नहीं था कि वो पर्शियंस के पहले वहाँ पर पहुँचे, एथेंस में पहुँचे। ओके, रीच मीन्स पहुँचना, सुनर दैन मीन्स वॉट, उनसे जल्दी। ओके, दैट इज़ वाई, इसीलिए दिस टाइम ही लेफ्ट द यूजुअल सेफ रूट एंड चोज अनादर वन दैट पास्ड थ्रू क्लिफ्स एंड माउंटेन्स बट वॉज मच शॉर्टर। इस बार उसने सेफ रूट, दैट मीन्स सुरक्षित रास्ता छोड़ के अनादर रूट, दैट मीन्स दूसरा वाला रास्ता पकड़ लिया जो कि क्लिफ्स एंड माउंटेन्स से होकर गुजर रहा था। क्लिफ्स मीन्स वॉट, चट्टाने, और माउंटेन्स मीन्स वॉट, पहाड़, जो कि क्लिफ्स एंड माउंटेन्स से गुजर रहा था। फिलिडीफील्ड्स स्केल्ड द फर्स्ट स्टीफ क्लिफ एंड पिक्ड अप स्पीड, ही हैड टू रन मोर दैन 50 किलोमीटर्स। फिलिडीफील्ड्स ने पहली खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की। नाउ हियर द मीनिंग ऑफ स्टीफ मीन्स वॉट, खड़ी चट्टान या फिर तीव्र ढलान वाली चट्टान। और उसने फिर स्पीड ले लिया, गति पकड़ी, और उसने लगभग 40 किलोमीटर से अधिक दौड़ लगाई। इट वॉज वेरी हॉट, ही बिगेन टू परस्पायर,
बहुत गर्मी थी, उसे पसीना आने लगा। देयर वेर सम शेडी ऑलिव ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ द रोड, और रास्ते के एक तरफ ऑलिव के छायादार पेड़ थे। बट फील्डी फील्ड्स कुड नॉट वेट, कुडंट रेस्ट, लेकिन फील्डी फील्ड्स वहाँ पे प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, वेट नहीं कर सकता था, और वहाँ पे रेस्ट भी नहीं कर सकता था, आराम भी नहीं कर सकता था। ही जस्ट रैन ऑन एंड ऑन, वो सिर्फ दौड़ता ही चला गया, दौड़ता ही चला गया। हीज हर्ट बिगेन टू बीट फास्टर, उसका जो दिल है जोरों जोरों से धड़कने लगा। ही बिकेम वीक विथ हंगर एंड थर्स्ट, वो अभी कमजोर होने लगा भूख की वजह से और प्यास की वजह से। बट ही डिडंट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं। एट लास्ट, आखिरकार फील्डी फील्ड्स केम विद इन साइट ऑफ सिटी गेट्स ऑफ एथेंस, आखिरकार फील्डी फील्ड्स यहाँ ऐसे जगह पर पहुँचा जहाँ से उसको सिटी गेट दिखने लगा एथेंस का। ही वो सक्सेसफुल इन हिज मिशन, और उसके मिशन में वो सक्सेसफुल हो गया। मिशन मीन्स वॉट, किसी को भी सौंपा गया जो काम होता है उसको मिशन बोला जाता है। ही हैड रीच्ड बिफोर द पर्शियंस, और वो पर्शियंस के पहले पहुँच गया। द पीपल ऑफ एथेंस थ्रू ओपन द गेट्स टू फील्डी फील्ड्स, और एथेंस के पीपल जो थे उन्होंने फील्डी फील्ड्स के लिए गेट खोल दिया। वॉट हैपन फील्डी फील्ड्स, तो एथेंस के लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ फील्डी फील्ड्स, डू यू ब्रिंग गुड न्यूज़, और वो पूछना चाहते थे कि क्या तुमने अच्छी न्यूज़ लाई है, या फिर उनको बोलना था आगे, या फिर तुमने बुरी न्यूज़ लाई है। ओके, यस यस, जॉय टू यू, वी वॉन, तो फील्डी फील्ड्स ने रिप्लाई क्या दिया, हाँ हाँ बहुत अच्छी न्यूज़ है, ओके आप इंजॉय करोगे, वी वॉन, हम जीत गए, वी वॉन, हम जीत गए। एज सुन एज फील्डी फील्ड्स हैड डिलीवर दिस मैसेज, जैसे ही फील्डी फील्ड्स ने ये मैसेज पहुँचा दिया, ये संदेश वहाँ पे डिलीवर कर दिया, ही कोलैप्स्ड, वो नीचे गिर पड़ा, नेवर टू राइज अगेन, और फिर से कभी ना उठने के लिए। ही हैड लेट डाउन हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ एथेंस, और उसने जो अपना जीवन है वो समर्पित कर दिया, ओके एथेंस की सेवा में। ओके, लेट डाउन मीन्स वॉट, समर्पित कर देना, और सर्विस मीन्स वॉट, सेवा। द स्टोरी ऑफ फील्डी फील्ड्स हैज़ इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ ग्रीस फॉर मेनी सेंचुरीज, ये जो फील्डी फील्ड्स की स्टोरी है, ये कहानी है, ग्रीस के पीपल को बहुत सेंचुरी तक, दैट मीन्स बहुत सालों तक इंस्पायर करती रही। इंस्पायर मीन्स बट प्रोत्साहित करती गई। हीज हिस्टोरिक रन फ्रॉम द मैराथन टू एथेंस बिकेम अ लेजेंड, उसका जो हिस्टोरिक रन था, ऐतिहासिक जो उसने दौड़ लगाई थी मैराथन से लेकर एथेंस तक, वो क्या हुआ, एक लेजेंड बन गया। ओके, लेजेंडरी इवेंट बन गई। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेयर स्टार्टेड इन ग्रीस, ग्रीस में जब ओलंपिक गेम्स शुरू कर दिए गए, दिस लेजेंडरी इवेंट वॉज कॉमेमोरेट इन इट इन द फॉर्म ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट, ये जो पौराणिक कथा थी, घटना थी, इसे एक स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में मनाया गया। नाउ हियर द मीनिंग ऑफ कॉमेमोरेट मीन्स वॉट, मनाया जाना या फिर स्मरण करना। द मैराथन, उसका नाम रख दिया द मैराथन। टुडे, आज द मैराथन्स आर अरेंज्ड इन मेनी कंट्रीज, मैराथन जो है बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में अरेंज किया जाता है, ओके मनाया जाता है। जब भी आप किसी एक को देखते हो, या जब आप खुद उसमें भाग लेने के लिए पर्याप्त उम्र के हो जाते हो, तो पहले मैराथन रनर को जरूर याद रखें। आई होप ऑल ऑफ यू ना अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट वीडियोज़।